अगर आपके पास कोई बिजनेस है, वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, तो आपके पास एक प्रोफेशनल लोगो होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन से फ्री में SD लोगो आप कैसे तैयार करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से PicArt फोटो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पहले से कर रखे हैं तो इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं या गूगल फेसबुक के द्वारा भी अकाउंट बना सकते हैं। या आप अगर अकाउंट बनाना नहीं चाहते हैं तो सिंपली ऊपर जो दिया हुआ है स्किप वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से स्किप करके यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी एक कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए इसमें भी ढेर सारा जो कलर दे रखा है, तो इसको मैं आपको जो भी कलर पसंद है वो बैकग्राउंड के लिए इसमें से चूज कर सकते हैं। या इसमें भी आपको ढेर सारा कलर है, जो भी आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। या इस पर जाइएगा, इसमें से जो भी कलर है उसको आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन वाला पे ओके करता हूँ। ओके के सामने ये ग्रीन वाला जो है ये आपके सामने ये ओपन होके इस तरीके से आ। अब यहाँ पे आपको ढेर सारा फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। आप 20 से 30 मिनट अगर टाइम देते हैं तो इसमें जो भी फंक्शन है वो इसको आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है और क्या सब है। चलिए मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। जैसे यहाँ टूल्स पे ओके कीजिएगा। टूल्स पे ओके करते ही आपके सामने यहाँ क्रॉप, फ्री क्रॉप, सेव क्रॉप, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से इसको अगर 20-30 मिनट टाइम देते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। इसके लिए मैं आपको और ऑप्शन यहाँ इसमें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, लिखने के लिए यहाँ टेक्स्ट वाले पर ओके करेंगे। जैसे इस पर ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ टेक्स्ट लिखने का ये यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसको तो ऊपर में राइट का निशान है, आप राइट के निशान पर ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे फ्रंट का ऑप्शन है, यहाँ जो भी फ्रंट में आप रखना चाहते हैं इस तरीके से अपना फ्रंट इसमें से चूज कर सकते हैं। इसमें ढेर सारा फ्रंट दिए हुआ है, जो भी पसंद है इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका कलर का ऑप्शन है, इसमें से जो भी कलर आप रखना चाहते हो कलर वाले पर ओके कीजिएगा, वो कलर आपको यहाँ पे देखते हैं अप्लाई हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम रेड वाले को चूज कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपका स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रोक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और इसका कहाँ से आप स्ट्रोक का कलर भी इसमें से चूज कर सकते हैं। देख रहे हैं कि कलर चूज चेंज हो रहा है स्ट्रोक का, इसमें से आप अपना स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारा जो कलर दे रखा है, जो भी कलर रखिएगा वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक का कलर इस तरीके से आप चेंज करके इसको मोटा पतला भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और ऑप्शन है जो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर जाइएगा, राइट का निशान है, इसको राइट के निशान पे ओके कर देना है। ओके करते ही ये जो है आपका कम्प्लीटली ये आपका ओके हो जाता है। अब यहाँ पर मैं अपना पूरा अपने चैनल का नाम लिखूँगा, तो इसके लिए टेक्स्ट पर फिर से आप टेक्स्ट पर आपको जाना है। टेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर आपको ये ऑप्शन ओपन होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं फुल डिटेल में। जैसे मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ इस तरीके से लिख के, यहाँ पर राइट वाला इंसान है ऊपर में, इसको आप ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए जो जब चैनल का नाम लिखा के इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। यहाँ फ्रंट वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं फ्रंट वगैरह या इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह जाके आप इसमें से कोई भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से कलर वगैरह भी अप्लाई आपको इसमें से करके कर लेना है। इसके बाद इसी तरह आप स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हैं तो वह स्ट्रोक वगैरह का कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका सिंपली राइट पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन होकर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाते हैं, यहाँ आपको सेव क्रॉप है, इस पर सेव क्रॉप वाले पर ओके कर देना है। ओके करते हैं आप जो भी शेप में इसको रखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने शेप में इसको इस तरीके से रख के यहाँ जो देख रहे हैं ऊपर में राइट वाला, इस पर ओके कर देना है। शेडो देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूँ इसलिए बैक कर दिया। यहाँ पर आप जाकर शेप वाले पर ओके कर दीजिएगा। यहाँ सेव वाले पर ओके किए तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए डाउनलोड पर ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर इसको सेव कर दीजिएगा तो ये आपका गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। चलिए मैं इसको आपको गैलरी में ओपन करके दिखा देता हूँ। गैलरी को ओपन कर लीजिएगा, जहाँ भी आपका पिक है आपको पिक को सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो अभी इसको डाउनलोड किया वो यहाँ पे आ चुका है, तो आपका भी कुछ इसी तरीके से डाउनलोड होकर गैलरी में आ जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा जो है आपको लोगो बना के दिखा देता हूँ। तो लोगो बनाने के लिए फिर आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब इसमें जो भी आप बैकग्राउंड कलर चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए मैं इस बार यहाँ पे ग्रीन चूज कर लेता हूँ, तो ग्रीन वाले पे ओके करेंगे, आपके सामने ये ग्रीन वाला जो है अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई होते ही इस पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जो आप टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट पे ओके करेंगे, ओके करते यहाँ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आपके पास ओपन होके फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। जैसे जब मैं यहाँ लिख देखते यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ जूम चैनल, तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है। इसको राइट पे ओके करेंगे, ये आपका राइट पे ओके करते ये अप्लाई हो जाएगा। जितना भी बड़ा छोटा करना इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ उसी तरीके से यहाँ पे इसका आप फ्रंट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ्रंट में इसको आप रखना चाहते हैं वो फ्रंट। इसमें आपको ढेर सारा फ्रंट आपको मिल जाता है, जो भी अप्लाई करना है इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये कुछ अच्छा लगता है, मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद इसमें से कलर वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से कलर चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इस बार यहाँ पे कुछ और कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये कलर कुछ अच्छा लगता है, इधर भी ढेर सारा कलर है, जो भी कलर रखना चाहते हैं ये कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे यही कलर रहने देता हूँ जो थोड़ा अच्छा लगता है लुक। इसके बाद यहाँ स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे जाके अपना जो इसका स्ट्रोक वगैरह भी इस तरीके से दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे देता हूँ कलर। अगर स्ट्रोक का जो भी रखना चाहते हैं इसमें से अपना स्ट्रोक का कलर इस तरीके से चूज कर सकते हैं। इसमें ढेर सारा स्ट्रोक का कलर है, तो इस तरीके से जो भी अप्लाई क्लिक करेंगे वो आपके जो है लोगो उस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से और भी ऑप्शन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर में जाएंगे, राइट वाले पर ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर ओपन होकर ये ऑप्शन ओके होकर आ जाता है। अब फिर से यहाँ पे आप अपना चैनल का पूरा नाम लिखने के लिए टेक्स्ट वाले पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से यही ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप अपने चैनल का नाम फिर से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट वाले पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से ये आपका अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे अपना जो भी फ्रंट वगैरह देना चाहते हैं इस तरीके से आप अपना फ्रंट को इसमें से चूज कर लेंगे, जो भी फ्रंट आप इसमें रखना चाहते हैं। इसके बाद फ्रंट रखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, फ्रंट मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ से जाने के बाद इसमें से कलर भी चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको रखना चाहते हैं। चलिए मैं ये रेड ही रहने देता हूँ। स्ट्रोक वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लैक चूज कर लेता हूँ, कुछ अच्छा लगता है। इसके बाद सिंपली मैं ऊपर में जाऊँगा और राइट वाले पर ओके कर दूँगा। ओके करते ही ये आपका जो है अप्लाई हो जाता है। देखिए अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे यहाँ जाइए टूल्स वाले पे, टूल्स वाले पे जाने के बाद यहाँ सेव क्रॉप पर ओके कीजिए। जो भी आप सेव रखना चाहते हैं इस तरीके से आप अपना सेव क्लिक कीजिएगा, वो आपके जो लिखे हुए हैं उस पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं इसको यही रहने देता हूँ, कुछ अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इसको घसका आगे पीछे कर सकते हैं घसका के। इसके बाद एरो पर जाएंगे, इस तरीके से शेडो भी इसको दे सकते हैं, या शेडो का कलर भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं। चलिए हम नहीं देना चाहते हैं इसलिए हम पूरा बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव वाले पर ओके करेंगे, ये आपका सेव होगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ डाउनलोड कीजिएगा तो आपका ये गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। देखिए लिखा के आ गया सेव टू योर फोन गैलरी, तो ये आपका गैलरी में जाके सेव हो गया। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। गैलरी को ओपन करते जहाँ भी आप इसमें आपका डाउनलोड होगा वहाँ से इसको अपन ओपन कर लेना है गैलरी में से। तो मैं इसको गैलरी में से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अभी डाउनलोड किया हूँ, तो ये मेरा गैलरी में आके यहाँ पे ओपन है। तो इस तरीके से जितना भी चाहे उतना आप अपना वेबसाइट के लिए, अपने चैनल के लिए, आपका कोई बिजनेस है उसके लिए आप लोगो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल लोगो आपको ये देखने में लगता है। तो इसी तरीके से जितना चाहे उतना लोगो आप पिकअप में जाके आप बना सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से फ्री में 5 मिनट के अंदर अंदर में किस तरीके से एक प्रोफेशनल लोगो तैयार कर सकते हैं, और आप अपने बिजनेस में, वेबसाइट में, यूट्यूब चैनल में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।